अरे हमारे बनारस में एक और चीज़ बड़ी जो फेमस है वो यहाँ पे मिल रही है, तो आइए मैं देखती हूँ। अरे हट गया काउंटर, वाओ बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में, बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में ये वाओ, ये देखिए इसको कहते हैं गजब का धमाल। थैंक यू बट ये रेड होना चाहिए था। यहाँ आप देख रहे हैं एक बहुत ही प्यारी सी ब्यूटीफुल सी ब्राइड आते हुए जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है, और जो उसके आगे जो लड़कियाँ खड़ी हैं वो तो गजब ही है एकदम, घुसते आए नहीं कि खाना पीना शुरू। तो ये आज इन्होंने डांस भी किया था, कौन सा गाना डांस किया था, हेलो बनारस। और आज हम आपको दिखाने वाले हम बनारसियों की शादी, तो आइए चलिए चलते हैं और लुत्फ़ उठाते हैं इस शादी का, और अलग अलग तरीके की चीज़ें हमारे यहाँ बनारस में बनती हैं और मिलती हैं तो हम वो शादियों में ज़रूर रखवाते हैं, तो आइए वो भी हम टेस्ट करेंगे और आप देखेंगे। तो आइए चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं हमारे बनारसियों की शादी। तो अंदर का जो व्यू है ना आप इस समय वो देख रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत सा है। आइए चलिए आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे, पहले तो यहाँ की व्यवस्था दिखाते हैं, और यहाँ मैंने एक स्टॉल देखी जो कि बड़ी ही प्यारी लग रही, तो आइए पहले वो विजिट करते हैं। आइए घुसते आए नहीं कि खाना पीना शुरू, लोग आते हैं आके यहाँ पे इंजॉय करते हैं, हम आते ही पहले ब्लॉगिंग, पहले खाने पीने में क्या क्या चीज़ें हैं कैसा है वो चीज़ें दिखाते हैं आपको। आइए पहले तो आपको मैं यहाँ का ये स्टॉल दिखाती हूँ जो कि बहुत ही प्यारा सा ये काउंटर लगाया गया हुआ है। ये भी खाने की चीज़ है क्या, ये क्या है, ये कैसे सजाया हुआ है। अरे यार अब क्या बताऊँ, तो दूर से हमको लगा कि वो स्वीट कैंडी मिलती है ना वो है हमें लगा। तो आप ये देखिए कितना प्यारा सा यहाँ पे ये काउंटर लगाया गया हुआ है जो कि ख़त्म हो गया क्या, हाँ लो ख़त्म हो गया, अब हमें कैसे मिलेगा खाने के लिए, इन्होंने ख़त्म कर दिया, मतलब कुछ तो खाना ही पड़ेगा, ये खा लेते हैं तब तक। इनको भी दिखा दीजिए, अरे शर्माना उसका देखिए। क्या नाम है तुम्हारा, सौम्या। ये नहीं है, इसी ने पूरा काउंटर खाली किया है वहाँ का, है ना सौम्या। शर्मा कैसे रही है, आइए अंदर भी आपको। अरे हमारे बनारस में एक और चीज़ बड़ी जो फेमस है वो यहाँ पे मिल रही है, तो आइए मैं देखती हूँ। अरे हट गया काउंटर, हम देर से आए क्या, मलाइयो मिल रहा था। ये तो बड़ी गलत बात है भाई, मलाइयो भी ख़त्म हो गया, बारात आई नहीं अभी तक, ऐसा तो नहीं कि हमें देखते ही हटा दिया गया के बाद में लगाएंगे बारात आएगी उसके बाद। ये तो बड़ी गलत बात है भाई कि हम ये इनको देखिए, ये स्पेशली चलते हैं हमेशा, ये इनका सही है। कैसा आपको टेस्ट लग रहा है सर जी, हम बताना चाहता हूँ आपको कटेल लाजवाब है। तो ये आज इन्होंने डांस भी किया था, कौन सा गाना डांस किया था, एक नंबर का। तो आइए अंदर चलते हैं और अंदर भी दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें, इसके पहले कि ख़त्म हो जाए पहले हम खा लें। आइए ये वाओ, ये देखिए इसको कहते हैं गजब का धमाल, बहुत ही प्यारा तरीके से सजाया गया हुआ है। थैंक यू बट ये रेड होना चाहिए था, बट इट्स ओके, पिंक भी चलेगा। थैंक यू हाँ एक सेकंड। तो ये आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारी सी ब्राइड को आते हुए, वाह प्यारी प्यारी लड़कियां हैं आगे, बड़ी ही खूबसूरत। कितने एक्साइटेड है उसको देखो, कह रही आ गया हो आ गया हो। डांस वांस करेंगे लग रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं एक बहुत ही प्यारी सी ब्यूटीफुल सी ब्राइड आते हुए जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है, और जो उसके आगे जो लड़कियाँ खड़ी हैं वो तो गजब ही है एकदम, बहुत ही प्यारी लग रही हैं सब के सब। अगर दुल्हन को छुपा के लाया जा रहा है पीछे की साइड से,
मक्खन में लइए, दोबारा आ गया मुझे खाना है, बस ये खा ले जल्दी से चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे मक्खन तो ख़त्म हो गया लेकिन हमको मिल गई यहाँ पे उसका जो मिल्क आता है ना वो मिल गया है, तो वही पी लेते हैं, कोई बात नहीं। आ रहे हैं और गायिका सुमन अग्रहरी की स्वागत कर रही, देखिए तमाम लोगों के साथ ये हमारे संगीत की धरोहर, हमारे कलाकार कहते जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कब। सजी सुनकर आवाज़ लगे अयोध्या सजा हुआ है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अवध को दुल्हन जैसा सजाया, जैसे काशी की दुल्हन जैसा सरोजा पैलेस सजा रहता है। और आज अशोक मिश्रा क्लाउड टाइम की सपुत्री के इस शुभ विवाह की शुभ घड़ी में उसी तरह सजा है जैसे अवध सजा हुआ था। राजन तिवारी ने गाया, सजी सुंदर अवध नगरी, सजी सुंदर अवध नगरी, अवध में आए सजी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप मिल रहे हैं क्लाउन्स टीवी के चीफ एडिटर से, भाई हम भूल जाते हैं थोड़ा सा, चीफ एडिटर से मिल रहे हैं यहाँ पे आप, जिनकी बिटिया की शादी और इतनी ग्रैंड तरीके से इन्होंने शादी करी है भाई, इतनी अच्छी लगी ना, मतलब गजब का मजा आ गया है। और आप महामंत्री क्या बता रहे थे आप कुछ? वारसी प्रेसलों का महामंत्री मैं हूं। अरे वाह क्या बात है। एक बार इन्होंने हमें एक कार्ड दिया था उसका बड़ा लुफ्त उठाया हमने बड़े दिनों तक, तो आप भी उसका लुफ्त उठा सकते हैं इनके उस पे आके भाई। कहाँ पे है आपका ऑफिस, कहाँ पे है? कर्णघंटा पे है। तो राजन तिवारी जाइए, राजन जी यहाँ आइए। तो राजन तिवारी जी भाई इधर आइए, राजन तिवारी जी बहुत व्यस्त लग रहे हैं अभी, ये बहुत अच्छे कलाकार हैं। अच्छा अच्छा, मोदी जी के टीम में हैं। अरे क्या बात है। तो राजन जी कैसे हैं आप? एकदम मस्त हैं। अरे बस यही बस होना चाहिए, अभी आपसे मिलकर ना बड़ा ही अच्छा लगा, बिटिया का इंतजार कर रहे हैं आपके, बस कि आपकी बिटिया है तो थोड़ा सा एक कैप्चर करें और अपने ब्लॉग को यहीं पे भी एंड करें हम। महादेव। इस ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं, आई होप आज का ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और हम बनारसियों की शादी ऐसी जोरदार होती है, तो अपने इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। हर हर महादेव।